नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रेंज में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, आपको पता है ना कि 9 तारीख को एक गाना आना था, मैंने अपडेट दिया था बोका म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर। सो फाइनली जो है उस गाने का पोस्टर आप सभी के बीच में आ चुका है। मैंने बताया था कि छठ पूजा के दिन या उससे पहले इस गाने का पोस्टर आ सकता है। सो फाइनली पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। हालांकि मैं गाँव पर हूँ तो उसको एडिट नहीं कर पाऊँगा, बट स्टिल यू कैन सी दिस पोस्टर ऑन माई थंबनेल। थंबनेल पे मैं पोस्टर लगा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, गाने का नाम है लटक जेबा। लटक जेबा गाने का नाम है, फनी अंदाज में गाना है और गाना का नाम जो है लटक जेबा है। गाने का नाम ही जो लटक जेबा है तो कुछ ऐसा ही आपको गाना जो है सुनने को मिलेगा। खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज की आवाज़ में ये गाना है। और इस गाने में जो अभिनेत्री नजर आई है पता है कौन है? चुम्मा चुम्मा देवी, चुम्मा की अभिनेत्री यानी कि आकांक्षा पुरी है। तो खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी की जोड़ी एक बार फिर से आप सभी के बीच में धमाल करने वाली है गाने लटक जय बसे। अगर मैं बात करूँ तो इस गाने के दो राइटर हैं, जिस तरीके से पोस्टर में लिखा गया है, कृष्णा वेदर्दी हैं, विनय विनायक हैं। कृष्णा वेदर्दी और विनय विनायक माशाल्लाह क्या कमाल के लिखते हैं, ये बखूबी आप जानते होंगे, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। कंपोज़र के आर के यादव हैं और ये जो गाना है ना वो गाना 9 तारीख को रिलीज़ किया जाएगा। 9 तारीख को सुबह 6:30 के YouTube 6:30 पर सुबह में। तो आप लोग तैयार रहिएगा, खेसारी लाल यादव गाना लटक जेबा जो खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज की आवाज़ में होने वाला है, आकांक्षा पुरी जिस गाने में नजर आने वाली है, बोका म्यूजिक के YouTube चैनल पर ये गाना 9 तारीख को सुबह 6:30 पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि इस गाने को लेकर इवेंट्स की भी बातें थी, हालांकि इवेंट्स को पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू द पंकज राय जो सीए हैं खेसारी लाल यादव के, उनके उनकी माता जी का आई थिंक निधन हो गया है, जिसकी वजह से शायद इवेंट ना हो ऐसा बताया गया मुझे। बट आप लोग गाने के लिए तैयार रहिएगा और गाने के लिए आप लोग उत्सुक रहेगा। लटक जेबा 9 तारीख को 6:30 आप तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच।